दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है पेड़ के जादुई केक के घर की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। ये कहानी है मोहिनी और प्रियल नाम की दो माँ बेटी की, जो कि लालापुर नाम के एक गांव में रहती थी। दोनों माँ बेटी की अपनी एक केक की दुकान थी। मोहिनी के हाथ के बनाए हुए केक बहुत ही स्वादिष्ट होते थे, जिसकी वजह से उनकी दुकान के केक लोगों को बहुत पसंद आते थे और उनकी दुकान बहुत चलती थी, जिस वजह से मोहिनी के पास काफी सारा पैसा हो गया था, जिससे वो अक्सर गरीब लोगों को खाना खिलाया करती थी। मोहिनी की दुकान के बगल में और भी केक की दुकानें थी, लेकिन जब से मोहिनी ने अपनी केक की दुकान खोली थी, तब से उन सबकी दुकान के केक की बिक्री काफी ज्यादा कम हो गई थी। इस मोहिनी ने जब से अपनी केक की दुकान खोली है, तब से हमारा धंधा ही चौपट हो गया है। हाँ हाँ, सही में अब ये हालत हो गई है कि दिन के 12 ही केक बिकते हैं बस। लगता है इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखाना ही होगा। हाँ हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। उसके बाद वो दोनों दुकानदार मोहिनी की दुकान पर पहुँच जाते हैं। देख बहन, तू अपनी दुकान बंद कर और कहीं और जाके अपनी दुकान खोल ले, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ पर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करती रहती हूँ। आप लोग भी स्वादिष्ट केक बनाइए, आप लोगों की भी बिक्री जरूर होगी। उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने केक की दुकान बंद करनी ही होगी बस। लेकिन इस दुकान से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी चलती है, मैं अपनी दुकान बंद नहीं करूँगी। आपको जो करना है वो करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मारोगी, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों दुकानदार मोहिनी को धमकी देकर गुस्से में वहाँ से चले गए और उसके बाद मोहिनी अपनी दुकान चलाने लगी। लेकिन इधर वो दोनों दुकानदार रात में मोहिनी की दुकान जलाने का एक शातिर प्लान बनाते हैं, और उसी रात में वो दोनों दुकानदार चुपके से मोहिनी की दुकान के पास आते हैं और उसकी दुकान में आग लगा देते हैं और चुपके से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर मोहिनी और प्रियल जब सुबह सुबह अपनी दुकान पर पहुँची, तब उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता कि उनकी दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसके बाद मोहिनी और प्रियल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर चली आई। सारी दुकान जल गई है, हमने बाजार से जो माल उठाया था वो भी जलकर राख हो गया है। माँ, कोई बात नहीं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम लोग किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। आप परेशान मत होइए माँ। दुकान के जल जाने के बाद में वो दोनों बहुत सदमे में रहती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास बचे सारे पैसे खत्म हो गए थे। उसके बाद मोहिनी दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन कर्जा बहुत होने की वजह से धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके घर की हालत हर एक दिन खराब होती गई। और तो और मोहिनी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचते सोचते बीमार पड़ गई। कुछ दिनों बाद मोहिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और डॉक्टर से इलाज कराने में घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है, जिस वजह से घर में खाना पकाने के लिए राशन भी खत्म हो गया था। प्रियल भी अपनी माँ की हालत और घर में राशन ना होने की वजह से काफी उदास हो जाती है। फिर प्रियल बहुत देर सोचने के बाद अपना सोने का नेकलेस बेचने का फैसला लेती है, जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बनवाया था। फिर प्रियल अपना नेकलेस सुनार के पास बेचने के लिए चली जाती है। वो नेकलेस बेचकर उसने ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और बाजार जाकर सब्जियां और राशन का सामान खरीदकर घर ले आई और उससे जल्दी से खाना बनाने लगी। उन पैसों से उनके कई दिन सुकून से कट गए, लेकिन फिर एक दिन प्रियल के पास अब सिर्फ 100 रुपए ही बचे थे।
और उनका सारा राशन भी खत्म हो गया था। फिर प्रियल उन पैसों से घर का राशन लाने के लिए चली जाती है। प्रियल राशन लेने जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई देती है। वो देखती है कि उसके पास काफी सारे पैसे और गहने थे। प्रियल ने उस औरत के मुंह पर पानी डाला जिससे वो होश में आ गई। फिर वो औरत होश में आने के बाद उससे कहती है, बेटी तुम बड़ी ही नेक लड़की हो, तुमने मेरी जान बचाई है। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन बेटी तुम परेशान लगती हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? उसके बाद प्रियल ने उस औरत को अपनी पूरी बात बताई। प्रियल की पूरी बात सुनने के बाद वो औरत एक परी के रूप में बदल गई और उसे देखकर प्रियल बहुत खुश हो जाती है। तभी परी प्रियल से कहती है कि बेटी तुम अच्छे इंसानों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेटी तुम जंगल के तालाब के पास जाना, वहाँ पर तुम्हें एक पेड़ पर केक का घर मिलेगा जो तुम्हारी सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। परी इतना बोलकर वहाँ से गायब हो गई। जब प्रियल ने उस तालाब के पास जाकर देखा तो सही में वहाँ पर पेड़ के ऊपर केक का जादुई घर था। प्रियल उस केक के घर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर प्रियल उस केक के घर से कहती है, हे जादुई केक के घर, मुझे कुछ जादुई केक दे दीजिए। तभी पेड़ से कुछ स्वादिष्ट केक बाहर निकलकर आ जाते हैं। फिर प्रियल उन केक को उठा लेती है और बाजार लेकर चली जाती है और उन केक को बेचकर खूब सारे पैसे कमा लेती है और फिर राशन वगैरह खरीद कर प्रियल घर वापस चली आई। फिर प्रियल अपनी माँ को वो पूरी बात बता देती है। प्रियल उन जादुई केक को बेच बेच कर धीरे धीरे अपनी केक की दुकान फिर से खोल लेती है। हर बार प्रियल तालाब के पास जाती है और जादुई केक लेकर आ जाती है। धीरे धीरे आसपास के दुकान की सारी दुकानों की बिक्री फिर से खत्म हो जाती है। ये हर रोज इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक कहाँ से लाती है, मुझे पता लगाना ही होगा। उसके बाद वो दुकानदार प्रियल के पीछे पीछे जाता है और प्रियल को पेड़ से केक लेते हुए देख लेता है। प्रियल के जाने के बाद दुकानदार पेड़ के पास जाता है और वो भी उससे केक मांगता है, लेकिन केक की जगह उस दुकानदार को बहुत जोर से करंट का झटका लगता है। अरे तुमने तो उस लड़की को केक दिए हैं और मुझे करंट क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो, लालची इंसान को मैं केक नहीं देता हूँ। इतना सुनकर वो दुकानदार वहाँ से निराश होकर चला जाता है। उसके बाद से प्रियल और मोहिनी दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती हैं। प्रतापगढ़ नाम के एक शहर में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। कुछ समय पहले उसकी माँ का निधन हो गया था, जिस वजह से उसके पिता ने उर्मिला नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उर्मिला की पहले से ही एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि था। आरुषि की हाइट बहुत कम थी और वो दिखने में भी थोड़ी सांवली थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। उर्मिला मीरा से बहुत जलती थी। ये मीरा की बच्ची तो कितनी सुंदर है और मेरी बेटी कितनी सांवली और बौनी है, काश मेरी बेटी भी इस मीरा की तरह सुंदर होती। वहीं आरुषि बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की थी। वो मीरा को अपनी सगी बहन की तरह मानती थी और हमेशा उसके साथ में खेलती थी और उसके काम में भी उसकी बहुत मदद करती थी। लेकिन उर्मिला को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुन आरुषि, तो इस मीरा की बच्ची के साथ मत रहा कर, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये सिर्फ हमारी नौकरानी है और नौकरानी से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ, मीरा मेरी छोटी बहन है। उर्मिला मीरा से घर का सारा काम करवाती थी और हर बात पर उसकी खूब पिटाई करती थी। अरे ओ मीरा की बच्ची, मेरी बेटी से थोड़ा दूर रहा कर, आज के बाद मेरी बेटी के साथ खेलती हुई नजर आई तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और हाँ, मैं अभी सब्जी लेने बाजार जा रही हूँ,
सारे घर की साफ सफाई अच्छे से करना और बाथरूम में कुछ कपड़े रखे हुए हैं, सबसे पहले वो कपड़े धो, समझी? उसके बाद उर्मिला बाजार चली जाती है। मीरा घर का सारा काम करने लग जाती है, तभी वहाँ पर आरुषि आ जाती है। अरे तुम अकेले काम क्यों कर रही हो, लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप रहने दो, माँ बहुत गुस्सा होंगी, अगर उन्होंने आपको काम करते हुए देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, और माँ तो अभी आई भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। आरुषि और मीरा मिलकर जल्दी से घर का सारा काम कर लेती हैं। इसी तरह से काफी दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुन कलमोही, ये मेरी बेटी की ड्रेस है, इसको अच्छे से धोकर प्रेस कर, शाम को हम पार्टी में जाएंगे। माँ मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहनूंगी शाम को? अरे तुझे किसने कहा कि हम पार्टी में तुझे भी ले जा रहे हैं? तू इस घर में ही रहेगी और घर की रखवाली करेगी। तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, आरुषि बड़ी हो गई है, वो पार्टी वगैरह में जाएगी तो सबकी नजरों में आएगी और उसके लिए अच्छा सा रिश्ता भी मिल जाएगा। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो आरुषि की ड्रेस पर प्रेस करने लगती है, लेकिन तभी गलती से उसकी थोड़ी सी ड्रेस जल जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब तो माँ मेरी जान ले लेंगी। तभी वहाँ पर उर्मिला और आरुषि आ जाती हैं। अरे मेरी बेटी की ड्रेस प्रेस नहीं हुई क्या अभी तक? माँ वो अरे क्या वो कर रही है, क्या बात है बता मुझे। माँ वो थोड़ी सी ड्रेस जल गई है। उर्मिला उसे खींच कर दो चाट मारती है। हराम खोर नालायक, तूने जानबूझकर मेरी बेटी की ड्रेस जलाई है, मैं तुझे पार्टी में नहीं लेकर जा रही हूँ ना, इसीलिए तूने ये सब किया है। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, पता नहीं माँ अचानक से कैसे जल गई ये ड्रेस। अरे कोई बात नहीं माँ, जाने दीजिए, वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए पार्टी में आप लोग चले जाइए, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। चल ठीक है बेटा, तू घर पर रहे और आराम कर, और तू नालायक लड़की, मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मार मार कर तेरी हालत खराब कर दूंगी। कुछ दिनों बाद, अरे ये देखो हमारी बेटी आरुषि के लिए रिश्ता आया है, शाम को लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर उर्मिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सीधा मीरा के पास जाती है। सुन मनहूस लड़की, सारा काम अच्छे से करना है और पूरे घर को चमका कर रख, शाम को मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, और हाँ लड़के वालों के सामने तू बिल्कुल भी नहीं आएगी, अगर तेरी वजह से मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा लड़की, समझी? आप बिल्कुल चिंता ना करें माँ, सब बहुत अच्छा होगा, मैं कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखूंगी माँ। उसके बाद मीरा अपने काम में लग जाती है। वहीं शाम में लड़के वाले उनके घर पर आ जाते हैं। नमस्ते बहन जी, हम यहाँ आपकी बेटी के लिए रिश्ते की बात करने आए हैं। हाँ जी बहन जी, आइए अंदर चलिए बहन जी। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि चाय लेकर बाहर आती है। ये देखिए, ये मेरी बिटिया आरुषि है, हम इसी के रिश्ते की बात कर रहे थे। माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, ये लड़की तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखती। अरे बेटा आप मेरी बेटी की शक्ल पर मत जाओ, मेरी बेटी घर का सारा काम जानती है और साथ ही साथ सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कर लेती है। वही मीरा चुपके से सब कुछ देख लेती है, तभी लड़के की नजर मीरा पर पड़ जाती है। माँ मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वो जो सीढ़ी के पास खड़ी है। ये सब देखकर मीरा वहाँ से भाग जाती है। हे भगवान ये मुझसे क्या हो गया, माँ ने बाहर आने के लिए मुझे मना किया था, अब अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगी। बहन जी आपकी कोई दूसरी बेटी भी है क्या? नहीं नहीं बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरी तो एक ही बेटी है। माँ मैंने वहाँ पर अभी एक लड़की को देखा था।
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो मेरी छोटी बहन है, मैं अभी उसे बाहर लेकर आती हूँ। फिर आरुषि मीरा को बाहर लेकर आती है। लड़के वाले मीरा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और उसका रिश्ता तय हो जाता है। फिर लड़के वालों के जाने के बाद, क्यों रे मनोज, मैंने तुझसे कहा था ना कि अपनी शक्ल बाहर मत दिखाना, फिर तू बाहर कैसे आ गई? अरे तुझसे मेरी बेटी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? इस बार मीरा आरुषि को भी एक चाटा मारती है और आरुषि रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मैंने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया है। मेरी बेटी तुझे अपनी छोटी बहन समझती है और तूने मेरी बेटी की सारी खुशियाँ उससे छीन ली। अगर शर्म है तो कहीं डूब कर मर जा। मीरा रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। बिटिया तुम रो क्यों रही हो बिटिया? माँ, मैंने अपनी बड़ी बहन की सारी खुशियाँ छीन ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, मैं अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मेरी बहन की सारी समस्याएं ही दूर हो जाएं। मेरी मदद करो माँ, प्लीज मेरी मदद करो। तभी मीरा की माँ अपने जादू से दो जादुई साड़ियाँ प्रकट करती हैं। बिटिया तुम इन दोनों साड़ियों में से एक साड़ी अपनी बहन को दे देना और एक साड़ी तुम खुद रख लेना, लेकिन ये साड़ी सिर्फ एक बार ही अपना काम करेगी। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। फिर मीरा वो साड़ियाँ लेकर अपनी बहन के पास जाती है। मेरी बहन, ये जादुई साड़ी है, इसे पहन लो बहन। अरे कहाँ मर गई ये मीरा की बच्ची, इधर आ। मीरा भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। ये देख, तेरे लिए बहुत ही अच्छी क्रीम लेकर आई हूँ, कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, तू जल्दी से ये क्रीम अपने चेहरे पर लगा ले। मीरा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर वो क्रीम लगा लेती है। क्रीम को लगाते ही मीरा बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। उधर साड़ी पहनते ही आरुषि बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और अचानक से उसकी हाइट भी बढ़ जाती है। ये देखकर आरुषि बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है और उसे वो सारी बातें बताती है। क्या मीरा ने तेरे लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तो उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। फिर उर्मिला अपनी बेटी आरुषि को वो सारी बातें बताती है। दोनों भागी भागी मीरा के कमरे में जाती हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मीरा जल्दी से अपनी माँ की दी हुई जादुई साड़ी पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, मुझे पहले की तरह खूबसूरत कर दीजिए। मीरा के इतना कहते ही मीरा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। उसके बाद से उसकी सौतेली माँ उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है।